आप सबको पहले वेलकम करता हूं एनआईसी की तरफ से और आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में जैसा कि काफी लोगों से फीडबैक हमने लिया कि अब मैंने पिछली बार कहा कि हम जो है कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड जाएंगे और हम कोई कोई एक टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक के साथ हम प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे और प्रोडक्ट को समझेंगे, बिकॉज वाई जानना बहुत जरूरी है। वाई व्हेन आई सेड आई एम सेइंग WHY वाई, ये मुझे गार्सिनिया कैम्बोजिया चाहिए, लेकिन क्यों? यदि वाई बड़ा होगा, द बिगर इज योर वाई द इजियर विल बी योर हाउ। वाई जितना बड़ा हो जाएगा उतना बढ़िया से आप समझ पाएंगे कि ये होना कैसे है, तो वो हाउ विल बी वेरी इजी। तो हम हाउ के पीछे पड़े रहते हैं, वाई को छोड़ देते हैं। तो हमने जब उस कॉन्सेप्ट्स की बात की और हमने हर एक शेड्यूल किया हुआ है, आई थिंक हमने ऑलरेडी एक आपके लिए 9 सेशंस डिजाइन किए हैं जो आने वाले हर दिन अल्टरनेट डे जो हमारा शेड्यूल है उसमें होगा, बुधवार शुक्रवार और रविवार रात 8 बजे। आज का सेशन पहली बार जब हमने कुछ लोगों के साथ थ्रो किया था कि क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं लोगों को चुनने के लिए, तो जो सबसे ज्यादा लिस्ट आई वो COVID-19 और अभी के कोरोना सिचुएशन के बारे में आई, और इसके बारे में हमारे एजेंडा में नहीं था। तो वी डिसाइडेड कि नहीं, जब इतने लोगों का आया तो वी नीड टू टॉक अबाउट, बिकॉज ये एक टॉपिक ऐसा है कि आज हर एक आदमी ज्ञानी है, वो भी जो नहीं ज्ञानी है वो भी इस टॉपिक को बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, और समझने वाला उसको समझना चाह रहा है। आप यदि न्यूज चैनल देख रहे होंगे तो पिछले 3-5 दिनों से आपने देखा होगा कि हर चैनल या तो वो हेल्थ समिट कर रहा है या हेल्थ कॉन्फ्रेंस कर रहा है या पूरा उत्सव चल रहा है या कुछ कर रहा है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। जानकारी देने का सिचुएशन इसलिए हुआ कि पैनिक बहुत ज्यादा हो गया, इन्फॉर्मेशन लोड है, हम व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं, फेसबुक से कनेक्टेड हैं, हर चीजों से कनेक्टेड हैं, तो इन्फॉर्मेशन फ्लो की कमी नहीं है और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है, विच इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। इसलिए मैंने बोला कि बिगर इज योर वाई द इजियर विल बी योर हाउ। वाई, ये क्यों हो रहा है, यदि हम उसको जाने, हमें ये क्यों करना है उसको जाने, जब वाई बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉलो भी हो जाएगा। मास्क लगाना है, क्यों लगाना है, यदि ये वाई बहुत बढ़िया से बड़े बड़े पिक्चर में समझ में आ गई है तो मास्क आप नहीं छोड़ेंगे, आप चिन पे मास्क चिन कवर की तरह नहीं पहनेंगे यदि वाई बड़ा होगा तो। यदि वाई बड़ा नहीं होगा तो हाउ, मास्क कैसा पहनना है, इसकी कितनी भी ट्रेनिंग दी जाए, कितना भी प्यार से समझाया जाए, फोर्स करके समझाया जाए, चालान काटा जाए, फाइन लगाया जाए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें कोई फाइन लगाता है नहीं लगाता है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला है कि हमको खुद को क्या फर्क पड़ता है। आज की जब इतनी भयानक सिचुएशन हो चुकी है तो हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, तो हमें कौन कौन सी वाई को ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की कुछ बात हम करेंगे। ना ही मैं डॉक्टर हूं, ना ही आप डॉक्टर हैं, ना ही आपके फैमिली वाले डॉक्टर हैं, हमें डॉक्टर बन के कोविड के अंदर घुस के उसका किस तरीके से होता है, वो बीमारी एक्चुअली क्या होती है, जरूरी नहीं है जानना, जरूरी नहीं है मैं बताऊं, जरूरी नहीं है आप जाने, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरी इस बात की है कि हमें क्या क्या जानना चाहिए ताकि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरे परिजन सुरक्षित रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अब मामला सुरक्षा और हो चुका है। अब ये नॉर्मल और नॉर्मल जिंदगी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सीधे जिंदा रहने की या जिंदगी को बचा लेने की, उस तरह की बातें हो रही है। तो जब उसकी बात करें तो मैंने इस तरीके से कुछ कॉम्पैक्ट स्लाइड्स आपके लिए रखे हैं और अगले 15 से 20 मिनट में मैं उन स्लाइड्स पे कुछ आपसे बात करूंगा, और यदि आप उन बातों को समझते हैं तो उन स्लाइड्स से आपको मुझे लगता है कि काफी कुछ हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और हम उससे अपने परिवार को, अपने को कोविड के लिए काफी कुछ प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ऑलरेडी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और आप काफी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, प्रिवेंशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ रखता हूं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने लिया है उस सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन। इम्यूनिटी को हम बिल्ड करें, इम्यूनिटी ऑलरेडी बॉडी में होता है लेकिन हम उसको बिल्ड करें और प्रिवेंशन की तरफ बढ़े। प्रिवेंशन के लिए कोई ऐसा तथ्य ना छोड़ें जिसमें कि कहीं पे गैप रह गया। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम बहुत सारा कुछ प्रिवेंशन के लिए करते हैं और कुछ परसेंटेज, समझ लीजिए 100% प्रिवेंशन होना चाहिए, तो हम 90% 92% 95% प्रिवेंशन करते हैं, लेकिन वो 2-5% प्रिवेंशन छूटता है।
जो छूटता है वो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कितना किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो छूटा है वो एक गैप छूटा है। आप मॉस्किटो के लिए यदि अपना पूरा विंडो बंद कर लिया है और एक यदि कहीं पे छोटा सा खुला हुआ था, तो इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितना जाली लगाया था, कितना विंडो पे नेट लगाया था, कितना बंद किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कवर खुला हुआ था और मॉस्किटो लाइट के साथ जितना आना है उतना आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जितना छूटा है उतना इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के फ्रंट पे। तो पहले हम प्रिवेंशन बात करते हैं, फिर बिल्डिंग इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन की यदि बात करें तो पहले हम समझ लें सिचुएशन के बारे में। सिचुएशन अलार्मिंग है, आप सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, और हर आदमी उसको, कुछ लोग घंटों घंटों मॉनिटर कर रहे हैं। सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, तो इतनी अलार्मिंग हो गई है कि 18 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस जो हैं अभी कंट्री में मौजूद हो गए हैं, और 2.61 लाख, 2,61,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस एक दिन में मिल रहे हैं, वन डे। यस्टरडे का ये फिगर है, 2,61,000 से ज्यादा। तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। सिचुएशन इस तरीके से भी अलार्मिंग है कि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कोई डॉक्टर का सिचुएशन अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल में यदि बात करें, मेरे बहुत सारे मित्र जो है मेडिकल और हॉस्पिटल और इन चीज़ों के कनेक्ट्स में हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, और सब लोगों से यदि मैं बात करूं तो सारी डिप्रेसिंग बातें निकल के आ रही हैं, बिकॉज उनके हॉस्पिटल में, जिनका हॉस्पिटल चल रहा है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो सर्व करना चाह रहे हैं, उनके चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि उनके पास डॉक्टर्स नहीं है, उनके पास नर्सेज नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, बिकॉज उसमें से बहुत लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, उसमें से बहुत लोग ऑलरेडी वो हैं, और यदि पूरी स्टाफ की बात कर लें तो भी लोड डबल है और वो चीज को हैंडल करना डिफिकल्ट है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, जब आप डेड बॉडी की बात करें तो श्मशान में जगह की कमी है, लाइन लगी है, चाहे वो हॉस्पिटल के बाहर हो, चाहे श्मशान के बाहर हो। ये सारी चीज हम सुबह से शाम देख रहे हैं और ये चीजों को समझ रहे हैं, तो सिचुएशन अलार्मिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नाउ इस सिचुएशन अलार्मिंग हो कि भयावहता को थोड़ा अपने प्रैक्टिकल एफर्ट से समझिए, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको एक दूसरे एंगल से मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले ये समझ लें कि 2020 में जब COVID-19 हमने पहली बार महसूस किया मार्च महीने में, और उसके बाद हम उसके साथ जिए पूरा एक साल, तो हमने ये समझा, स्टडी ने ये बताया कि ये जो चीज है वो ड्रॉपलेट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है, और ये ड्रॉपलेट की वजह से आप जो है सांस को बचा रहे हैं, इसको बचा रहे हैं, और ड्रॉपलेट से जा रही है। यदि आप डिस्टेंस रखें, आप यदि आइसोलेशन रखें और ड्रॉपलेट की बात करें, तो ड्रॉपलेट से नहीं फैलेगा। हर दिन नया चीज पता चलता है और हर वीक में कुछ नई बातें पता चलती हैं। किसी को अभी भी पूरी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हर चीज नया पता चल रहा है, बिकॉज वायरस म्यूटेट हो रहा है, वो नया वेरिएंट बना रहा है, नया चीज बना रहा है, तो हर बार नए लक्षण आ रहे हैं, नए प्रकार आ रहे हैं। तो जब नए तरीके से आ रहे हैं तो हर चीज पता चलने वाली है, पता चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और सब कुछ लिखा हुआ है। जितना पिछले साल हमें नहीं मालूम था उतना ही अभी भी नहीं मालूम है, बिकॉज आगे पूरा अंधेरा है, एक एक कदम आप बढ़ते जा रहे हैं। तो एक लैंसेट स्टडी रिपोर्ट आई हुई है बहुत रिसेंटली, और उस लैंसेट रिपोर्ट में ये बताया गया कि एविडेंस मिले हैं, कंफर्म एविडेंस, कि ये ड्रॉपलेट्स से तो फैलता है, ये एयरबॉर्न भी है। एयरबॉर्न होने का मतलब हुआ कि ये जो है प्रीडोमिनेंटली हवा में स्प्रेड होगा, जैसे बाकी बीमारियां स्प्रेड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जानवरों से फैलेगा, पेट से फैलेगा, आपके पालतू जानवरों से फैलेगा, दूसरे जानवरों से फैलेगा, हवा में फैलेगा, और हवा में फैल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये इस रैंपेड तरीके से नहीं फैल रहा होता। और ये सिर्फ लैंसेट स्टडी रिपोर्ट नहीं है, साउथ कोरिया के डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स, जो कि काफी ऑथेंटिक आर्टिकल्स माने जाते हैं, उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है पिछले हफ्ते में ही कि ये जो है एयरबॉर्न है। अब एयरबॉर्न है तो आप इसके खतरा की और भयावहता को समझिए कि ये सर्दी खांसी फ्लू की तरह हर एक को चपेट में लेने वाला है। हम इसको यदि हल्का भी लाइटली लेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, लेट अस बी क्लियर, बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। और इससे डरने के बजाय, अपने आप को कम इम्यून कर लेने के बजाय डर के, इसको जानकारी रख के उसको फेस करने की जरूरत है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये ड्रॉपलेट से ही सिर्फ नहीं फैल रहा, ये हवा से भी, हवा में भी मौजूद है, और ये एयरबॉर्न हो चुका है, एयरबॉर्न के तरीके से फैल रहा है। तो एक तो ये बात हुई। अब यदि हम इसके न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस की बात करें, जो कि नया स्ट्रेन है, तो ये E484Q और L
H542R, ये दो जो है नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं जो कि कंबाइंड होके एक नया स्ट्रेन बनाया है। ये दो नए टाइप हैं, कंबाइन होके एक नया स्ट्रेन बनाया है और वो स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है, वो पहले वाले से खतरनाक है। ये पहले वाले कई गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि ये छद्म में है, ये धोखेबाज है। एक लाइन में बात करें तो ये धोखेबाज है। धोखेबाज का मतलब ऐसा है कि पहला वाला दो दिन ढाई दिन आपके नेजल कैविटी में ठहरता था, आपके स्टीम लेने से, आपके मेंटेन करने से वो वहां रहता था, उसके बाद वो नीचे प्रवेश करना शुरू करता था। ये स्ट्रेट आपके लंग में जाता है, लोअर लंग में जाके सिचुएट होता है और अपना काम शुरू कर देता है। पहला वाला दसवें दिन जाके कुछ असर दिखा देता था होने से, ये वाला दसवें दिन जाके असर नहीं दिखा रहा है, ये 24 घंटे से 36 घंटे में असर दिखा दे रहा है। और असर इतना भयानक दिखा रहा है कि सिटी यदि रिपोर्ट आप देखेंगे और कोराड स्कोर देखेंगे तो पूरी की पूरी खतरनाक तरीके की रिपोर्ट 24 घंटे में दे दे रहा है। मेरे पहचान के जानने वाले, चूंकि मैं कोई वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट के रूप में बातें करते रहता हूं, तो किसी हमारे पहचान कुछ तकलीफ भी है कहीं पे तो वो एक बार सलाह जरूर लेते हैं या किसी ने कुछ पूछ लिया, फोन कर लिया, तो मेरे को दिन में बहुत सारे इस तरीके के कोऑर्डिनेशन फोन भी रहते हैं। तो केस स्टडीज में बहुत सारा देख बैठा हूं, उस केस स्टडीज में बहुत सारे मेरे प्रियजन ऐसे हैं जिनका कि कल शाम तक ठीक था, एकदम परफेक्ट थे, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिटनेस जॉइंट है, उन लोगों की सिचुएशन ऐसी हुई है कि दो घंटे, दो दिन में, डेढ़ दिन में सिचुएशन जीरो, हीरो से एकदम जीरो पे आ गई और उसके बाद पर्सनल ब्रीदिंग के लिए तकलीफ हो गई, वो पर्सनल ब्रीद खुद से नहीं कर सके, उस तरीके की सिचुएशन में चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत फास्ट चीजों को उलट के पलट दे रहा है और उस तरीके से चीजें कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी बच नहीं रहा है, बच्चे नहीं बच रहे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और बच्चों को ये हो रहा है। पिछला वाला बच्चों को टच नहीं कर रहा था, बच्चे का नहीं हो रहा था, बच्चे की इम्यूनिटी अपनी जगह पे हो रही थी। यहाँ पे यदि आप बात करें, पूरे परिवार के परिवार ग्रिप में आते जा रहे हैं। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, पिछली बार एक आदमी को हो रहा था, वो आइसोलेट हो रहा था। अभी यदि एक आदमी को हो रहा है तो पूरा का पूरा परिवार हो जा रहा है। इसलिए वाई इज बिगर, आपको जानना पड़ेगा कि वाई बड़ा है और यदि वाई को अच्छे से जानेंगे तो हाउ बचा पाएंगे। तो वाई जानना ये जरूरी है कि यदि किसी को कोई भी हल्की सी सिम्टम आती है जो कि कोविड लाइक सिम्टम है तो गेट योर आरटीपीसीआर डन, अपने आप को चेक कराएं और चेक कराने के पहले अपने आप को आइसोलेट कर लें और जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक अपने आप को आइसोलेट रखें। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक अच्छे डॉक्टर से आप बात करेंगे, जो अच्छे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं आज के इस रैपिड कोविड सिचुएशन में, वो आपको इस बात को प्रैक्टिकल नॉलेज से बताएंगे कि यदि आप आज की डेट में यदि आपको फीवर होता है या उस तरह की कोई सिम्टम आती है तो 90% एंड अबव केसेस में आप टेस्ट कराएंगे, आपको कोविड पॉजिटिव निकलेगा ही, बिकॉज वो एयरबॉर्न मॉडल में है, आप पॉजिटिव हैं ही यदि उस तरह का। चीज बताना चाहूंगा कि रैपिड और सिम्टम्स के साथ आ रहा है स्ट्रेंज सिम्टम का मतलब कि किसी को तो बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, किसी को फीवर ही नहीं आ रहा है, एसिम्टोमेटिक नहीं रह रहा है, ये कुछ दूसरे तरह के सिम्टम दे रहा है, कहीं पे पेट में मरोड़ हो रही है, किसी को तकलीफ हो रही है, इंडाइजेशन जैसी बातें हो गई, किसी का कुछ और हो गया। पिछली बार सिम्टम्स बहुत लिमिटेड थे, स्मेल चला जाता था, आपका हाई फीवर आता था, ये आता था, या एसिम्टोमेटिक होते थे, डिफरेंट है। तो इट्स नॉट गिविंग चेस, जो लोग कैजुअल हैं उनको बिल्कुल चांस नहीं दे रहा है, तो कैजुअल होने से ये नहीं चलेगा। दूसरी एक और चीज इसके साथ खतरनाक है कि ये किसी को छोड़ नहीं रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। किसी को नहीं छोड़ने का मतलब कि आप देखें कि रिच एंड फेमस लोग, एक्टर्स हों, फिल्म स्टार हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, हर एक को हो रहा है। नाउ यू विल नो दैट उन लोग सबसे ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रह रहे हैं। और यदि आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और जो फिटनेस के लिए जाने जाते हैं कंट्री में, उन जैसे लोगों को भी ये हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इम्यूनिटी, युवा, यूथ, यंग, फिटनेस एक्सपर्ट कुछ भी नहीं देख रहा है, ये सब जगह पे हो रहा है। तो ये एक एक दूसरे तरीके का स्ट्रेन है और ये स्ट्रेन जो चीज है ये चीजों को उस लेवल पे लेके जा रहा है।
बिल्डिंग इम्यूनिटी एंड प्रिवेंशन की बात हमने की। सबसे पहले हम प्रिवेंशन से शुरू करते हैं और प्रिवेंशन की बात करते हैं। कॉमन है, हनुमान चालीसा की तरह हम इसको एक साल से पढ़ रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। अच्छे से देर तक वॉश कर बैठे जरूरत है, कवर के मास्क लगाएं और अवॉइड टचिंग दिस। बीच बीच में आपको सुबुगाहट हो गई, कुछ हो गई, तो इसको टचिंग के लिए अवॉइड करें, बिकॉज अदरवाइज ये सारा जो प्रोसेस आपने किया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। डिस्टेंस मेंटेन करें, उतनी डिस्टेंस रखें एक दूसरे के बीच में, और आइसोलेशन की बात करें तो ये प्रिवेंशन की बात होगी। मास्क की बात करें तो मास्क इज द मोस्ट ज्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन नहीं है। आपका हाथ धोना, आपका सैनिटाइजर लगाना, आपका डिस्टेंस रखना, ये सारा कुछ 5-7% में आ जाएगा। 90-95% प्रोटेक्शन जो है वो मास्क है। यदि आपके पास मास्क है तो आप प्रोटेक्टेड हैं, बट उसके साथ एक कंडीशन है, मास्क जो है सही क्वालिटी की होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई सर्जिकल मास्क है, जो बीच वाला फोटो में दिया हुआ है, वो मास्क आपने लिया है, वो 3 लेयर का मास्क है, तो उस मास्क को आप 4-6 घंटे के लिए ही पहन सकते हैं। उसके बाद उसको थ्रो कर देना है, उसको वॉश नहीं करना है, बिकॉज वो जर्म एक्युमुलेट करता है, बट वो अच्छा मास्क है। यदि आपके पास एक सिंगल लेयर का कपड़े वाला मास्क है तो डू नॉट वियर इट, बिकॉज वो आपका प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपके सिंपैथी के लिए है, आपको लग रहा है कि आपका प्रोटेक्शन कर रहा है, आपका प्रोटेक्शन वो नहीं कर रहा। आपको जो है क्लोथ का, डबल लेयर क्लोथ का आप यदि मास्क लगाते हैं तो वो प्रोटेक्शन कर रहा है, और N95 टाइप की मास्क लगा रहे हैं तो प्रोटेक्शन कर रहा है। तो मास्क एकदम सिंपल से सिंपल हो सकता है, घर का कपड़े का बना हुआ 2 लेयर का मास्क हो सकता है, सर्जिकल मास्क हो सकता है, N95 मास्क हो सकता है, बट फैशन का कोई मास्क है, यदि सिंपल सा मास्क है जिसके अंदर आप पानी डालें और पानी नीचे से धार निकल जाता है, तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज ये ड्रॉपलेट को नहीं रोक रहा है, वो माइक्रोन उसके बहुत छोटी है। तो आपको पहला ध्यान तो ये रखना है कि क्या हम सही क्वालिटी का मास्क पहन रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं नंबर वन, क्या हम सही क्वालिटी का मास्क पहन रहे हैं? यदि नहीं पहन रहे हैं तो हम कवच लेके नहीं चल रहे हैं और चारों तरफ से अनुवर्षा हो रही है, कवच लेके नहीं चले हैं, तो हम क्लियर हैं कि हम अपने को रिस्क में डाला है, और अब रिस्क में डाल के आप बचने वाले नहीं है, उस लेवल की रिस्क हो चुकी है। तो मास्क लगाना है और ऑलवेज मास्क ऑन, और मास्क में कोई सुबुगाहट हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में मास्क को निकालना नहीं है, कुछ भी हो जाए मास्क निकालना नहीं है। मास्क मैं अभी निकाल सकता हूं क्योंकि मैं घर में इस हॉल में अकेला हूं और मैं अपने घर में बंद हूं, तो मैंने मास्क निकाला है, आपसे बात कर रहा हूं। और यदि मैं घर से स्टेप एक कदम बाहर निकाला, 1 मिनट के लिए निकाला, तो भी मुझे मास्क ऑन होना पड़ेगा। मास्क ऑन, देन ओनली यू गो आउट, एक बात हो गई। अब मास्क को लगाने की बात हो गई, तो लगाने का प्रोसेस, मास्क आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया, लेकिन लगाया कब और लगाया तो किस मेथड से लगाया? मास्क लगाने के बहुत सारे मेथड हैं आजकल, वो कान में कोई लटके घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, कोई चिन नीचे रखे हैं, नाक को ओपन रखा है। Now, all this has been style. But अब यदि इसको आप अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, that is not going to work. तो मास्क लगाना और मास्क को सही तरीके से पहनना, सब लोग समझा रहे हैं, हर जगह पे समझा रहे हैं, बट स्टिल आप यदि अपना ही रूटीन देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ घंटे आप किसी दूसरे मूड में हैं। आप या तो फोन को कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए कर रहे हैं, पीने के लिए कर रहे हैं, कोई रीजन से कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। मेक श्योर दैट योर मास्क इज प्रॉपर, इट इज नॉट सफोकेटिंग यू, एंड देन आप उस तरीके से उसको रखें। प्रिवेंशन के लिए वॉश योर हैंड्स, साबुन का इस्तेमाल करें, क्राउड से दूर रहें। कुछ भी हो जाए, आपका बिजनेस हो जाए, आपका कोई कमिटमेंट हो जाए, आपकी कोई बात हो जाए, आप फ्रंट लाइन वर्क हैं और आप सेवा के नहीं पड़ेगा, तो आप अपने पूरे प्रिकॉशन से करें। अदरवाइज अवॉइड एवरी पॉसिबल थिंग, कहे कर्फ्यू लगाए ना लगाए, बंद करे ना करे, अवॉइड एनी क्राउड, वियर मास्क, अवॉइड हैंडी का हाथ टच ना करें, हैंडशेक बिल्कुल नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये बात हुई। एक और प्रिवेंशन के लिए जो बड़ी बात है, जिसको कि मेरे कुछ मित्रों के थ्रू मुझे थोड़ा सा ज्यादा इस बात में सीरियसनेस दिखी है पिछले 4-5 दिनों में, कि प्रिवेंशन के लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि आपके घर में यदि पेरेंट्स हैं, आपके घर में यदि कोई भी एजेड पीपल हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप प्रिवेंशन की बात करें।
आपका बाहर जाना, आपका मास्क नहीं लगाना, आपका टच करना, आपका कुछ भी करना उनके लिए खतरा है। वो घर में बैठे हुए हैं, आप घर में वापस जा रहे हैं, उनके लिए खतरा लेके जा रहे हैं आप, और उनको खतरा यदि टच भी हुआ तो आप संभाल नहीं पाएंगे, संभालना नहीं है। अच्छे अच्छे लोग का नहीं संभल रहा, बिल्कुल नहीं संभल रहा। यदि उनको टच हो गया तो संभलेगा नहीं, उस लेवल की सिचुएशन है, क्योंकि कहीं पे कुछ अवेलेबल नहीं होगी और इतनी तेजी से रैपिड एक्शन लेता है कि चीजें नहीं बिगड़ी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए, कुमार भी कोई डायबिटिक है, कोई इस तरीके का है, कोई स्मोकर है, कोई इस तरीके का हार्ट लंग वाला इशू वाला है, कोई कैंसरस है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपके लिए उन सब की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन दोनों की बातें करनी है, तो मैं अभी प्रिवेंशन की बातें करता हूं। प्रिवेंशन के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे ही आपको कोई सिम्टम आए आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा दें। कोई बिल्कुल संकोच ना करें, एक दिन एक घंटे का गैप ना करें, बिल्कुल रिपोर्ट आने में अभी चार चार दिन लग रही है, ये सिचुएशन हो गई, बिल्कुल रिपोर्ट आने में चार दिन तीन दिन लग रही है, बट आप अपना करा लें यदि सिम्टम आया तो। ये नहीं कि दो दिन देखते हैं फिर कराएंगे, बिल्कुल मत कीजिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंट। यदि आपके सोसाइटी में, घर में, किसी में, कहीं पे हुआ है, तुरंत आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थे एक घंटे और उस व्यक्ति का दूसरे दिन पता चला कि पॉजिटिव आया हुआ है, तुरंत आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। तो आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बहुत सारे ओकेजन हो सकते हैं, बैठे बैठे मत करा लीजिए। ओकेजन हैं कि यदि आप किसी के साथ थे जिसको हुआ, तुरंत आपका टेस्ट कराइए। इसके अलावा आप अपने आप को तब टेस्ट कराइए जब आपके पास किसी तरीके का कोई सिम्टम दिख रहा है। एंड देन कोई भी सिम्टम आपको लगे सिंपल फीवर है, आपको लगे कुछ इस तरीके का है, बिल्कुल टेस्ट कराइए, बिकॉज 90% केसेस में निकल जा रहा है, क्योंकि ये एयरबॉर्न हो चुका है, उस लेवल पे फैल चुका है। तो एक तो टेस्ट कराने की बात हुई, बट मैंने स्लाइड पे लिखा है द राइट वे। ये एक अच्छा खासा स्टैटिस्टिक है, डेटा है, कि बहुत सारे आरटीपीसीआर टेस्ट जो हैं उनके रिपोर्ट जो है फॉल्स आ रहे हैं, मतलब वो निगेटिव बता रहे हैं और एक्चुअली आदमी पॉजिटिव है। वो क्यों निगेटिव बता रहे हैं? उसका कारण ये है कि वो जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट सही तरीके से नहीं हो रहा है, राइट मेथड से नहीं हो रहा है, राइट मेथड से बिल्कुल नहीं हो रहा है बहुत सारा टेस्ट। तो इसलिए आप जब टेस्ट कराएं तो इंश्योर करें कि राइट मेथड से हो रहा है। राइट मेथड का मतलब हुआ कि नाक के डीप के कैविटी में उसको जाना है, वहां से उसको निकालना है, तभी वो पॉजिटिव बताएगा, अदरवाइज वो बिल्कुल ट्रेस नहीं होएगा। कंठ में वो नीचे तक जाना है तभी वो लेगा। आजकल ऐसा है कि आपको अनुभूति भी नहीं हुई, उसने ऐसा लगाया ले लिया, उसका काम हो गया। ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि लास्ट संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट सही तरीके से नहीं होगा तो वो रिजल्ट सही नहीं आएगा, और वैसा बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। आपको यदि उस तरीके का रिपोर्ट मिला और आपको निगेटिव मिल गया तो आप इसको अपना सर्टिफिकेट मत मान लीजिए। वहीं पे कैच आ गया कि आपने उसको सर्टिफिकेट मान लिया और आप जो है अब फैला रहे हैं और आप खुद को परेशान कर चुके हैं और अब आप रिस्क सबको दे रहे हैं। तो सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया ये जरूरी नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट सही तरीके से हुआ क्या, मास्क लगा लिया ये जरूरी नहीं है, सही वाला मास्क था क्या और सही तरीके से पहना था क्या और हमेशा पहना था क्या। मैं मान लीजिए कि फ्लाइट में ट्रैवल करने गया, मैंने फ्लाइट के एयरपोर्ट के बाहर बढ़िया से आरोग्य सेतु दिखाया, ये दिखाया, उन्होंने भी 6-6 फीट के डिस्टेंस पे सबको खड़ा कराया, एक आदमी बढ़ गया तो फिर दूल्हा दुल्हन की तरह फिर मैं एक कदम बढ़ाया, ऐसा सब करके 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 मैं पहुंचा सीट पे, घुसने के पहले मुझे वो पीपी सूट पहना दिया गया, सब कुछ कर लिया गया, मैंने मास्क पहना हुआ है, सब पहना हुआ है, शील्ड लगा दिया, सब कुछ कर दिया। और मैं फ्लाइट में बैठने के बाद जब सब लोग बगल 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 बैठ गए तो मैंने फिर जो है कोई ब्रेकफास्ट आ गई और मैंने अपने मास्क पास बढ़िया से निकाल लिए और ब्रेकफास्ट को खा लिया। तो ये फायदा क्या हुआ, ये पूरा जो वहां से यहां तक पूरी नौटंकी हुई उसका एक्चुअल एंड रिजल्ट क्या हुआ? यू कैनॉट ईट, दे शुड नॉट सर्व। तो आपका काम ये है कि आप जो है एक लॉजिकल तरीके से जाएं कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आपने एक बार खोल दिया तो 10 सेकंड के लिए खोलिए, पूरे एक घंटे के लिए खोल दीजिए, लगाने और खोलने का तो कोई पर्पस हुआ नहीं। यदि आपने लगाया है तो लगाए रखें, बिल्कुल ना निकालें, बिल्कुल टच ना करें, कहीं से कोई चुभघाट हो जाए, कुछ हो जाए, बिल्कुल ना करें। कोई सांप घुसा नहीं है, वो काट के आपको फेंकेगा नहीं, इस तरीके का सिस्टम में आ जाए। तो ये एक बात हुई। तो आरटीपीसीआर टेस्ट राइट वे से किया जाए। अब यदि आरटीपीसीआर टेस्ट आपने कर लिया और पॉजिटिव आ गया,
पॉजिटिव आ गया तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सब लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, यदि घबराए तो केस बिगड़ेगा। अब बिल्कुल क्लियर तरीके से वाई पे ध्यान दें और उसके मॉनिटरिंग पे आ जाएं। बहुत लोग ऐसा हो रहा है कि आरटीपीसीआर हो गया, पॉजिटिव आ गया, कोई सिम्टम नहीं है, वो जो है भाग के सीधा हॉस्पिटल का बेड बुक करना शुरू कर दिया। डिमांड सप्लाई से चीजें चलती हैं। आज की डेट में यदि बेड कम है तो इसलिए भी कम है कि सब लोग बेड ही ले रहे हैं, और जो बेड ले लिया वो बेड छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कहीं और थोड़ा दिन रुकते हैं, थोड़ा दिन और वो बीमारियां ले रहा है दूसरों से। सुरक्षित जगह घर है, घर पे आइसोलेशन हो जाना सबसे सुरक्षित है, और कुछ कुछ चिंता करने की बात नहीं है यदि आप चीजों को समझ रहे हैं। और उन चीजों में बिल्कुल क्लियर है कि आपने टाइम पे आरटीपीसीआर करा लिया, आपने गैप नहीं किया क्योंकि डिले वाला बात नहीं रहा, आपने जल्दी पता कर लिया, आप होम आइसोलेशन में चले गए, ये भी प्रिवेंशन है। सीधा गेट आइसोलेटेड एंड गेट आइसोलेटेड विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ऐसा नहीं कि आपको कमरे में जेल में बंद कर दिया, जिंदगी का खतरा हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। सेलिब्रेटेड, अच्छा टाइम मिला है, म्यूजिक सुनिए, योगा कीजिए, पढ़िए, बैकलॉग निकालिए, लैपटॉप पे बैठिए, फिल्म देखिए, जो कर सकते हैं सब कीजिए, बट बंद रहिए कमरे में, बिल्कुल बाहर नहीं निकालिए। मेंटेन रखिए अपने हाइजीन को, मेंटेन रखिए अपने माइंड को, मेंटेन रखिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, सारा कुछ कीजिए, बढ़िया सा खाइए, स्वस्थ खाइए, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लीजिए, पूरा डाइलेशन रखिए, पूरा का पूरा अपनी प्यास को बुझाते रहिए, लिक्विड लेते रहिए, हाइड्रेशन बनाए रखिए, सब कुछ कीजिए और एकदम पॉजिटिव रहिए। तो प्रिवेंशन एक बात हो गई, गेट आइसोलेटेड। दूसरी चीज, टूलकिट अपने घर पे हमेशा रखिए। आपके यहाँ कोई हुआ है, नहीं हुआ है, आपका कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, टूलकिट आपके घर में होना चाहिए। नहीं है, कहीं पे कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ भी है, मेडिकल स्टोर चालू है, आप ये टूलकिट घर में रख लीजिए। टूलकिट क्या है, तो आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे कि आप ऑक्सीमीटर की तरह मतलब वो ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं, और आपके पास स्टीमर होना चाहिए, इस तरीके की कुछ चीजें, कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, मेडिसिन में आपके विटामिन होनी चाहिए जिसपे हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके घर में होम टूल किट होना चाहिए। यदि होम टूल किट है और आपको पॉजिटिव बता दिया है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आपके पास टूल किट है और आप पॉजिटिव है और आपको आइसोलेशन में होना है, दैट्स ऑल। आप ये सारा कुछ वहीं पे कर सकते हैं, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब तक ऑक्सीजन लेवल आपका 93 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप परफेक्टली फाइन है। आप जो है उस टूल किट का इस्तेमाल करें, और बढ़िया से इस्तेमाल करेंगे तो वो कभी नीचे जाएगा ही नहीं। और यदि टाइम पे नहीं चेक किया, बढ़िया से इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर वो सारी सिचुएशन आ सकती है। एक और चीज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, गेट वैक्सीनेटेड। बट डिपेंड करता है कि आप कितने उम्र के हैं और आप लीगली अभी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो आपने अपना पहला डोज ले लिया, दूसरा ले लिया, 45 के ऊपर हैं प्लीज ले लीजिए, यदि 45 से नीचे हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले हैं तो भी ले लीजिए। उस तरीके से आपका जो सिस्टम है उसके हिसाब से, आपके यहाँ की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो ये प्रिवेंशन की बात हुई। प्रिवेंशन में एक और चीज आती है कि राइट ईटिंग पैटर्न होना चाहिए, चाहे आप पीड़ित संक्रमित हैं या नहीं है। आप एकदम स्वस्थ हैं, कोई संक्रमण नहीं है, घर में किसी को कभी नहीं हुआ, फिर भी ईट राइट, ये इस समय का जरूरत है। कभी भी कोई भी फूड, जंक फूड मत खाइए, रेडीमेड फूड मत खाइए, कहीं से ऑर्डर करके मत मंगाइए, ये वक्त नहीं है। आपको रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक फूड से दूर रहने की जरूरत है, प्रिजर्वेटिव से दूर रहने की जरूरत है, केमिकल्स से दूर रहने की जरूरत है। किसी तरीके के जंक फूड से अपने आप को दूर रखें, चाहे वो घर में रेडीमेड पड़ा हो, चाहे वो आप कहीं से मंगा के ले रहे हैं। करी और टेस्ट को साइड में रख दीजिए, ईट हेल्दी। और हेल्दी का मतलब हुआ कि कुक्ड फूड खाइए, होल चीजें खाइए, सब कुछ होलसम होना चाहिए, सबूत अनाज, सबूत चीजों की सब चीजें खाइए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। एम्प्टी स्टोमक फ्रूट्स लीजिए, नट्स लीजिए, बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीजें लीजिए, ककुम्बर, ककड़ी, गाजर, इस तरह की चीजें। पानी से पूरा अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी जितना पी सकते हैं, गर्मी का भी मौसम है और पानी का है, पूरा पानी पीजिए। एंड नो अनहेल्दी फूड, बिल्कुल उसको स्टॉप कर दीजिए। आप यदि किसी तरीके का एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बिल्कुल से नो टू इट फॉर एटलीस्ट दिस वन मंथ टू मंथ टाइम बीइंग, जहां पे उससे सिचुएशन बिगड़ सकती है, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को नीचे ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है और बहुत नीचे ले जा रहा है। तो आप अंकुरा हुआ चीज लीजिए, मूंग है तो आप उसको स्प्राउट कर लीजिए, अंकुरा हुआ बना दीजिए।
आप यदि मांसाहारी हैं या अंडा वेजिटेरियन हैं तो अंडा दो जरूर खाइए, इस तरह की कुछ चीजें रखिए जो फ्रेश हो, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, जूसेस को अवॉइड कीजिए बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें शक्कर ज्यादा है, तो आप जो है अपने फ्रेश चीजों को लीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स लीजिए जिसमें कि बहुत कुछ हो सकता है आपका, लहसुन हो सकता है, अदरक हो सकता है, ड्रमस्टिक हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, शिमला मिर्ची यदि आपके पास अवेलेबल है, या आप यदि वेजिटेबल खरीद रहे हैं और वेजिटेबल आपके शहर में मिल रही है, हमारे बॉम्बे में अभी नहीं मिल रही है, बट यदि वेजिटेबल मिल रही है, आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डरिंग वाला दे रहा है, आपके घर में कोई गार्डन है और कहीं शिमला मिर्ची है, तो वो सबसे बढ़िया पावरफुल चीज है आज के समय में, शिमला मिर्ची का इस्तेमाल कीजिए, उसके अंदर पावर है। शिमला मिर्ची लाल वाला हो, हरा वाला हो, जिसको भी आप पेपर बेल बोले, जो भी है उसको आप इस्तेमाल कर सकते। होलिस्टिक वेलनेस पे फोकस करें। होलिस्टिक वेलनेस का मतलब हुआ कि स्ट्रेस को अवॉइड करें, खाना पीना तो हो गया, प्रिवेंशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन एक होलिस्टिक वेलनेस है आपका माइंड में ही वेलनेस है आधा। इम्यूनिटी बहुत सारा माइंड के होलिस्टिक वेलनेस से कनेक्टेड है, और उसके लिए स्ट्रेस को अवॉइड करें, प्राणायाम करें, आप जो है प्रॉपर रेस्ट लें, नींद को पूरा करें, प्रैक्टिस करें, आप चीजों को खुश रहने की कोशिश करें, उस तरह की बातें करें, और हाइजीन मेंटेन करें। आपने आजकल सुना होगा कि पिछले 4-5 दिनों से न्यूज में बहुत ज्यादा है और बहुत गुड न्यूज की तरह आ रहा है, कि वो ये है कि इसराइल में, यूएस में और यूरोप में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग साइज में नेजल स्प्रे बनाए जा रहे हैं और बन चुके हैं और ट्रायल में हैं, और बहुत जल्दी वर्ल्ड में वो बहुत बड़ा साइज में आने वाले हैं। और वो क्या चीज है, तो वो ये कह रहा है कि कोरोना वायरस को, COVID-19 के वायरस को नाक में, नेजल कैविटी में 99% वो किल कर देगा, 95-99% वो क्लियर कर देगा। एंड ये कोई किसी का कहा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, ये सही दावा है और इस पे स्टडी हो रही है। जैसा आपका वैक्सीन आया वैसा ये नेजल स्प्रे आ रहा है, और ये नेजल स्प्रे को कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का नेजल स्प्रे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है जिसको कि आपके नाक में स्प्रे कर देना है, और वो जो है जाके उस कैविटी में सारे उसको खत्म कर देगा। किसको खत्म कर देगा? आपके जर्म्स को, आपके COVID-19 के वायरस को। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है पावरफुल जर्म किलर है, मतलब ये वायरस को, जर्म को, सबको क्लियर कर देता है, और बहुत पावरफुल तरीके से करता है। दिस इज द साइंस, इट इज देयर। नाउ ये नाइट्रिक ऑक्साइड को ही स्प्रे में रख के दिया जा रहा है, और ये स्प्रे की बात है। अब मैं एक आपको मजेदार बात बता रहा हूं जो आप बहुत लोग जानते भी होंगे। जो इंडियन कल्चर है और इंडियन जो एंशियंट टाइम से जो प्राणायाम चलता आया है, उसमें जो जो हम कुछ प्राणायाम में जब हम कुछ चीज उच्चारण करते हैं और वाइब्रेशन देते हैं नोजल नेजल कैविटी के पास, ये पूरा नेजल एरिया में जब हम वाइब्रेशन देते हैं, तो उस वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है और अच्छी मात्रा में पैदा होती है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, और मैं कोई हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई की बात नहीं कर रहा, ओम उसी तरीके से बनाया गया है, ये शब्द में वही वाइब्रेशन बनाया गया है। ओम जब आप बोलते हैं तो इसमें तीन चीजें हैं, ऊ है, पहला आ है, आ ऊ उम, तीन चीजें हैं। आ जो है वो आपके स्टोमक में वाइब्रेशन वहां से चालू करता है, आ ओम जब बोलते हैं तो आ से शुरू होता है। जिसका जो ऊ है वो आपके चेस्ट को वाइब्रेशन देता है, और उसके बाद ये पहुंचता है आपके नेजल के पास, और जो उम कहते हैं वो वहां पे आता है। अब इसको यदि कोई दूसरे धर्म में आमीन कहा जाता है तो वो भी वही काम करता है, आमीन, एक ही बात हो रही है। बट यदि इसको आप वाइब्रेशन के साथ करते हैं, यदि आप कभी प्राणायाम करने वाले काफी लोग यहाँ पे होंगे, प्राणायाम यदि आप करेंगे, और जब प्राणायाम करते हैं तो आप यहाँ पे कभी नेजल कैविटी के पास हाथ रख के देखिए, प्राणायाम करते समय आपको वहां पे लिटरली वाइब्रेशन महसूस होगा, वाइब्रेशन होता है। जब आप वाइब्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड उतनी मात्रा में नेजल कैविटी में पैदा होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता था कि वो नेजल कैविटी जो आ रही है बहुत अच्छी चीज आ रही है, लेकिन वो हमारे भारतीय सभ्यता में ऑलरेडी है, और कहीं से लेके स्प्रे मारने की जरूरत नहीं है, वो आपकी बॉडी में है और आपके हाथ में है। जरूरत इस बात की है कि उसको करके लेना है। तो आप यदि ऑलरेडी संक्रमित हैं और आइसोलेशन में हैं, तो इससे बढ़िया इलाज हो ही नहीं सकता। आप जो है हर एक घंटे पे, हर दो घंटे पे आप जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का नेजल स्प्रे ले सकते हैं,
ओम करके, आमीन करके आप उसको कर सकते हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी, यदि आप संक्रमित नहीं हुए हैं, स्वस्थ हैं, तो आप ये करके करके संक्रमण से बच सकते हैं, संक्रमित हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपके पास इतना पावरफुल चीज है कि आप संक्रमण से बच सकते हैं। तो ये हुआ आपका होलिस्टिक वेलनेस की बात। एक और चीज है कि गुड बाय टू ऑल एडिक्शंस, ये करने का वक्त आया है। यदि आप स्मोकर हैं, यदि आप ड्रिंकर हैं, यदि आप टोबैको के शौकीन हैं, आप यदि कोई चीज के शौकीन हैं, यदि बहुत सारा कैफीन लेते हैं, बहुत सारा रेड बुल और ग्रीन बुल और वो बुल लेते हैं, इस तरह का कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, बहुत सारा सोडा लेते हैं या एरेटेड ड्रिंक लेते हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन रखते हैं, तो उस एडिक्शन को जीरो पे लाइए, खत्म कीजिए, क्योंकि ये आपको खत्म कर सकता है। इतना खतरा लेके चलिए, वाई बहुत बड़ा है, ये तुरंत खत्म कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अभी 1-2 महीने के लिए उसको स्लो कर दें, बंद कर दें। यदि ये कर सकते हैं, जिंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है, बाकी आप समझ सकते हैं। एक और चीज कहना चाहूंगा कि डू नॉट गेट पैनिक, नो द फैक्ट्स, डू नॉट गेट पैनिक। हमने फैक्ट्स जाना, आपके फैक्ट ऑलरेडी आपको मालूम है, कोई ये नहीं है, बट पैनिक मत होइए। और फैक्ट ही जानी है, बाकी चीज मत जानी है। न्यू चैनल लगा के उसका सेवन मत करते रहिए। ये सेवन करने से कि श्मशान के बाहर लाइन लगी है, इतने मर गए, उतने जिंदा हो गए, ये हो गए, वो हो गए, आंकड़ा इतने पे पहुंच गया, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, स्कोर देखने का जरूरत नहीं है। जो हो गया हो गया, एक दिन का आप आंकड़ा जान लीजिए कि आज का ऐसा है, इसका मतलब ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। यदि न्यूज चैनल आपको वही निगेटिव न्यूज दे रहा है, यदि आपको डरा रहा है, आपको पैनिक कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो सही काम कर रहा है। लेकिन यदि आपको उससे और प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपके इनडायरेक्टली यहां पे प्रॉब्लम हो रही है, आप फियर हो रहा है, तो उसको मत देखिए, आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव होना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इम्यूनिटी के लिए पॉजिटिविटी जरूरी है, हैप्पीनेस जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी। तो हम यदि ज्यादा सारा दिन न्यूज चैनल देखते रहेंगे तो वैसे भी बीमार हो जाएंगे। तो आप जो है वो ना करें, गेटिंग एडमिटेड के लिए रश ना करें। यदि आपको 93 से नीचे ऑक्सीजन जाता है तब आपको एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, यदि नहीं जाता है तो आपके एडमिट होने की जरूरत नहीं है। एडमिट होकर आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। आप अपने घर में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा बढ़िया हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जब चाहे ले सकते हैं, खुद का ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, बहुत लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि लोग डिस्चार्ज ही नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अभी और 4 दिन रुकेंगे, सब कुछ परफेक्ट हो गया, फिर 4 दिन रुकेंगे। तो ये जो पैनिक हम कर रहे हैं, इस पैनिक से भी इश्यूज हैं। अब बिल्डिंग इम्यूनिटी की बात करते हैं। अभी तक हमने प्रिवेंशन की बातें की, यहां तक हमने प्रिवेंशन 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 बात की, अब बिल्डिंग इम्यूनिटी की बात करते हैं। बिल्डिंग इम्यूनिटी जो है, आज मैं थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया हूं, तो मैं आपका शायद 10 मिनट और लूंगा, आज थोड़ा एक्सटेंड करके यदि आपकी अनुमति होगी तो। अब मैं बिल्डिंग इम्यूनिटी की बात करता हूं कि इम्यूनिटी को बिल्ड कैसे किया जा सकता है। इम्यूनिटी को बिल्ड खाके पीके, न्यूट्रिशन लेके, विटामिन्स लेके, यू नो, बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी बिल्डिंग फूड्स और डाइट्स और सप्लीमेंट्स लेके भी बिल्ड कर सकते हैं, वो सारा कुछ कर सकते हैं। बट मैं कुछ और चीजों की बात आज करना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो इम्यूनिटी बिल्डर है वो है स्लीप। आप कितना सो रहे हैं? स्लीप सबसे बड़ा इम्यूनिटी बिल्डर होगा। यदि आप अच्छा साउंड स्लीप लेते हैं, डीप स्लीप, डीप स्लीप को रेज करिए, रेज द ड्यूरेशन और द परसेंटेज ऑफ द डीप स्लीप, इससे बढ़िया प्रोटेक्शन कुछ नहीं होगा। पहले उसको प्रोटेक्ट करिए। लेकिन यदि आप नेटफ्लिक्स और चिंता से बहुत सारा न्यूज या फिर बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप जो है अपने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, इस पर बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं। दूसरी चीज, लाफ्टर। लास्ट टाइम कब आपने ठहाका लगा के हंसा था? जितनी बार आप ठहाका लगा के हंसेंगे उतनी बार आपकी इम्यूनिटी सेल्स डेवलप होंगे। तो ठहाका लगाने का रीजन ढूंढिए, अपनी फैमिली में हंसिए और उसके साथ बात करिए, फ्रेंड्स के साथ बात करिए, फोन लगाइए, आपके पास आज वीडियो फोन है, व्हाट्सएप कॉल लगाइए वीडियो में, अपने पुराने दोस्तों को लगाइए, पुराने इनको लगाइए, और आप जो है सीधा ठहाका लगाने वाली बातें करिए। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में यदि पॉलिटिकल कुछ बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है, एग्जिट हो जाइए उस ग्रुप से। वैसे ग्रुप्स में रहिए जहां ठहाके लग रहे हैं, वैसे फैमिली में रहिए जहां ठहाके लग रहे हैं, और ठहाके लगाइए। यदि आप जितनी बार ठहाका लगाएंगे उतनी बार इम्यूनिटी लेवल अप होएगा, इम्यूनिटी लेवल अप होएगा। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड फोकट में मिल रहा था, फ्री में मिल रहा था ओम बोलने से और आमीन बोलने से, उसी तरीके से ठहाका लगाने से फ्री में आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी। तो आपको इम्यूनिटी बिल्ड करना है, ठहाका लगाना है, पहली बार। एक्सरसाइज, यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और एकदम सेडेंटरी हो गए हैं, क्योंकि आप आइसोलेट हो गए हैं घर में, या फिर आइसोलेट नहीं भी हुए हैं, स्वस्थ हैं, तो भी चूंकि बाहर कोविड फैला हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, ऑफिस नहीं जा रहे, वर्क पे नहीं जा रहे, तो आप कहीं नहीं जा रहे एक्चुअली, तो आप घर में ही बैठे,
परिवार में है, इससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस खत्म हुआ है, नौकरी खत्म होएगी, आगे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखेगा। तो बिल्डिंग इम्यूनिटी का सीधा इम्यूनिटी बूस्टर खाने से संबंध डायरेक्ट नहीं है, वो एक पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है जो मैंने अभी तक बताया। सोना, खुश रहना, ठहाका लगाना, खाली खुश रहना इज नॉट द रीजन। आप ठहाका लगा के हंसेंगे तो ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्यूनिटी सेल्स पैदा होंगे, उस तरह की चीजें। तो ये हुआ। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़े और एक स्लाइड की बात करें कि विटामिन और सप्लीमेंट में क्या चीजों पर फोकस करना है। बहुत सारे विटामिन, मिनरल, सप्लीमेंट सबकी जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भर के लेने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी प्रचुर मात्रा लेनी चाहिए, सफिशियंट उसका पूरा टॉपअप करना चाहिए। क्या क्या है? तो जिंक है, ओमेगा 3 है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। विटामिन सी का 500 का पूरा 500 डोज दिन का लेना ही चाहिए, उससे कम नहीं लेना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स भर के लेना चाहिए। तो जिंक, ओमेगा 3, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब चीजें लेनी चाहिए विटामिन एंड सप्लीमेंट्स में। और यदि आप किसी का कोविड का प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसमें बुखार की दवाई को छोड़ के बाकी यही सब होंगी पूरी की पूरी। तो पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर ने क्या दिया? यही सब दिया। इसमें से कोई भी ऐसा है जो नुकसान करने वाला है? कोई नुकसान नहीं करने वाला। ओनली विटामिन डी फैट सोल्युबल है, बट सब लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। आपने एक विटामिन डी का 4 वीक वाला ले लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप टॉक्सिक नहीं होने वाले। तो इसमें से कोई नुकसानदेह नहीं है, आपको इसका पूरा डोज ले लेना चाहिए। आप पॉजिटिव हैं, नहीं हैं, आप स्वस्थ हैं, आप संक्रमित हैं, आप जो भी हैं, आप पूरा का पूरा ले सकते हैं। आप सप्लीमेंट से भी पूरा का पूरा पूरा कर सकते हैं, अपने डेली डाइट से भी इन सबके प्रचुर मात्रा को आप इंश्योर कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। गोयंग की बात करें सप्लीमेंट के लिए, तो सारा का सारा आपके पास क्लीन एंड ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स वाले सामान मौजूद हैं। और इन सब चीजों की बात करें, जितने भी मैंने अभी आपको बताए, ये सारे के सारे आपके सप्लीमेंट में भी मौजूद हैं। आप बटन दबा के सब चीजें ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे अभी भी आ सकते हैं और वो चीजें आप कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी हैं ऑर्डर किए हुए, आप ऑलरेडी यूज कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी सप्लीमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीन सप्लीमेंट होना चाहिए जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें हो गई। कपल ऑफ सप्लीमेंट्स मैंने सोचा कि आज का इस इम्यूनिटी बूस्ट के एंगल से मैं आपको बताऊंगा कुछ सप्लीमेंट जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो क्या क्या है? तो सबसे पहला है आपके पास न्यूट्रीम्यूनो। न्यूट्रीम्यूनो नाम का एक आपके पास प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी बूस्टर है और न्यूट्रिशन है, इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रीम्यूनो। न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी, न्यूट्रीम्यूनो। अब ये न्यूट्रीम्यूनो में जो जो आपको चाहिए, आप विटामिन का नाम बताइए, आप मिनरल का नाम बताइए, आप ट्रेस एलिमेंट का नाम बताइए, सारा का सारा इसके अंदर मिलेगा। विटामिन सी की मात्रा बोलेंगे तो उतनी होगी जितनी आपको रोज चाहिए। जिंक की मात्रा है इसके अंदर, 15 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और ये सारा का सारा कुछ पाउडर फॉर्म में है। 500 ग्राम का पाउडर है जो आप दूध में, पानी में, किसी भी चीज में मिक्स करके 2 चम्मच ले सकते हैं। और कौन ले सकता है? कोई भी, संक्रमित व्यक्ति, बिना संक्रमित व्यक्ति, छोटा बच्चा, बूढ़ा आदमी, आप, मैं, हर उम्र का आदमी ले सकता है और 2-2 बार ले सकता है। और ये इसके इम्यूनिटी के लिए नहीं है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप शायद, यदि हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो, कैडबरी, ए वो कोई इस तरह की चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, या आपका बच्चा या आपके पिताजी या आपके माताजी या आपका कोई भी इस्तेमाल करता है, तो उसका ये रिप्लेसमेंट है और सॉलिड रिप्लेसमेंट है। बिकॉज उसके अंदर माल्ट है, शुगर है, शक्कर है, इसके अंदर शुगर 0 है, माल्ट 0 है, जो है वो पूरा का पूरा सामान है और वो सामान रिजल्ट देने वाला सामान है। एक और इसका खासियत है न्यूट्रीम्यूनो का, जिसके लिए हम एक अलग से सेशन लेंगे, और उस का खासियत ये है कि यदि आपके पास हॉट वाटर लेना, नहीं हॉट कोल्ड कैसे भी ले सकते हैं आप, उसका इशू नहीं है, आप शेकर में बर्फ डाल के भी ले सकते हैं, बट नॉर्मली लोग मिल्क वार्म में लेते हैं या गुनगुना में लेते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये ठंडे वाटर, गर्म वाटर किसी में ले सकते हैं। आज की डेट में गर्मी है तो आप फ्रिज के पानी से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इसका एक खासियत ये है कि न्यूट्रीम्यूनो, यदि कोई आदमी बीमार है, कोई चीज का बीमार है, घुटने में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, कोई छोटा सा कोई बीमारी है, कोई लिवर में तकलीफ है, कोई भी तरीके की बीमारी है, और उसका यदि वो दवाई ले रहा है, उसको यदि न्यूट्रीम्यूनो दिया जाएगा तो वो दवाई डबल असर करेगा, बिकॉज बॉडी उसको रिस्पॉन्डिंग मोड में आ जाएगा और दवा असर करेगा। तो कोई भी आदमी को किसी भी चीज की दवाई चल रही है तो ये असर करेगा।
अब यदि किसी को संक्रमण हुआ है तो उसको ये जरूरत से ज्यादा असर करेगा, ये तो बीमार लोगों के लिए। अब स्वस्थ लोगों की बात करें तो हर एक स्वस्थ आदमी यदि इसकी बात करता है तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट मुझे लगता है कि आप सब एक बार इस्तेमाल करेंगे और आपके बाद इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, बिकॉज ये आपके फैमिली का एक हेल्थ ड्रिंक होगा जो कि 12 महीना आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट फ्रॉम बच्चा टू बूढ़ा, हर आदमी के लिए एक मैंडेटरी ड्रिंक वाली चीज होगी। सो दिस इज वन। द सेकेंड वन, डायबिटीज के मरीज ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, दैट्स व्हाट आई सेड। कोई भी चीज की आप दवाई ले रहे हैं, मैंने डायबिटीज का भी एग्जाम्पल दिया, आपके लिए जबरदस्त चीज होगी। डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है न्यूट्रिशन को बनाए रखना और एनर्जी लेवल को बढ़ाना। डायबिटीज में सबसे ज्यादा क्या होता है कि उसकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, क्षमता लो हो जाती है, स्लीप में प्रॉब्लम हो जाता है। ये स्लीप बढ़ाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, आपको पाप अप रखेगा, उस तरीके का चीज। तो ये हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, जीरो साइड इफेक्ट, बिकॉज इसके अंदर कोई शुगर, कोई आर्टिफिशियल चीज कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं है, आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट होंगे वो सारे के सारे फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट यूज किए गए होंगे। इसके प्रोटीन के परसेंटेज जो यूज की गई है वो ड्यूपॉन्ट की प्रोटीन यूज की गई है, जिसका पीडीकेएस 1.0 है। तो फाइनेस्ट हाईएस्ट वैरायटी का प्रोडक्ट होगा, कंट्री में इस रेट का प्रोडक्ट नहीं होगा। और आप किसी भी व्यक्ति को, जिसको कि आप समझ लीजिए कि कोई बेड से नहीं उठ रहा है, बहुत ज्यादा सिथिल हो गया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बहुत ज्यादा एजिंग में है, कोई बहुत ज्यादा डायबिटीज से परेशान है, या कोई रीजन है तो उसकी वजह से कमजोरी बहुत हो गई है, कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रखा है, कोई कुछ हो गया है, कुछ भी हुआ है उस तरीके का, आप इसको इस्तेमाल करें और आप जो है एक महीने में दूसरा मुझे खरीदने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। आपने यदि किसी को कहा है तो उसको आपको दोबारा खरीदने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो बटन दबा के आपसे मंगा के लेगा। ये इस तरीके का प्रोडक्ट होगा। इसीलिए आई सेड प्रोडक्ट विल स्पीक द क्वालिटी, आपको नहीं बोलना है, आप खुद कुछ बोलेंगे नहीं, प्रोडक्ट अपने आप बोलेगा। तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं, जब हमने जिंक और विटामिन सी और ओमेगा 3 और सारी चीजों की बात की, तो सुपर फूड, जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, सुपर फूड एक ऐसी चीज है जो आपके आज के वक्त की जरूरत है। अब जैसे मैंने अभी तक सुबह से 3 बार सुपर फूड लिया है, रीजन ये है कि हमारे पास फ्रूट्स नहीं मिल रहे, वेजिटेबल्स नहीं मिल रहे, और ये एक सुपर फूड ऐसी चीज है जिसके अंदर 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट हैं और सब कुछ इसके अंदर है। हाई क्वालिटी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन्स हैं, इसके अंदर अल्फाल्फा है, क्लोरेला है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, इसके अंदर हर्ब्स हैं, इसके अंदर सारा कुछ है, अल्कलाइजर्स हैं इसके अंदर भर के। तो ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है और वो भी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद है। मतलब मैं यदि एक तरबूज पूरा खाऊं तो उसका एक चम्मच में वो मौजूद था, मैं 5 केले खाऊं तो वो मौजूद था, मैं अनार का पूरा एक अनार खाऊं वो मौजूद था, उस कंसंट्रेशन में मौजूद था। इसका मतलब 2 चम्मच इसका पावरफुल है उतने फ्रूट्स के, उतने वेजिटेबल्स के। और कैसे बना है, इकलौता प्रोडक्ट है इंडिया में जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। जो कलर है वो फ्रूट का कलर है, जो मिठास है वो फ्रूट और वेजिटेबल की मिठास है। तो कोई शुगर नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, बट फिर भी डिलीशियस है। आप समझिए प्रोडक्ट की क्वालिटी अपने आप बता रही है। और इसको सिर्फ पानी में आप डाल के लेना है और उस तरीके से ये प्रोडक्ट चीज आपके साथ हो जाता है। अब आप देखेंगे तो ये इम्यूनिटी के लिए, आपकी फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है, रियल फ्रूट्स की बात हो रही है, ग्रीन्स की, हर्ब्स की, ये सारा कुछ आपकी जो पूरे परिवार की जरूरत है वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। 100% प्लांट बेस्ड है, हर के लिए सेफ है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी काम करेगा, इमीडिएट इस्तेमाल के लिए भी है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए बढ़िया प्रोडक्ट है, आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में ये नीड ऑफ द आवर है। 20 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं इसके अंदर, 35 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स हैं, 8 जो है इसके अंदर अल्कलाइजिंग ग्रीन है। आज देखिए अल्कलाइजिंग के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लोग एसिडिक हो रहे हैं तो अल्कलाइजिंग करते हैं, और अल्कलाइजिंग के इसके अंदर 8 अल्कलाइजिंग ग्रीन्स हैं, जिसमें वीट ग्लास है, क्लोरेला है, मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, अल्फाल्फा है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। हर्ब्स हैं, 12 मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, और 14 जो है इसके अंदर डाइजेसिव हर्ब्स हैं। यदि आपको मालूम हो तो अपने सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा इम्यूनिटी जो सेल्स हैं हमारे पूरे शरीर में, जो इम्यूनिटी सेल्स हैं उसका 70% से ज्यादा इम्यूनिटी सेल्स हमारे पाचन तंत्र में अवस्थित हैं। हमारा जो डाइजेसिव ट्रैक्ट है उसी में 70% से ज्यादा इम्यूनिटी सेल्स अवस्थित हैं। तो 14 डाइजेसिव हर्ब्स हैं इसके अंदर,
जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी बिल्ड करना है, इम्यूनिटी बूस्टर लेना है, से खाली स्टेटमेंट से नहीं होगा, आपको स्टेप में जाना पड़ेगा। और स्टेप ये है कि आप एक्चुअली ले रहे हैं तो वो कैसे बिल्ड करेगा, व्हाई इट विल बिल्ड, बिगर इज योर व्हाई, इजियर इज योर हाउ, तो ये इस तरीके से बिल्ड करेगा, ये जो डाइजेसिव हर्ब्स की बात हो। तो इसलिए इसमें 50 से ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, एक्चुअली 55, तो आप जो है इसको एक एक तौर पे ले सकते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन एक दूसरा चीज है, जो प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन आप लें, आप अंडे से प्रोटीन लें, आप जो है सोयाबीन से लें, आप लेंटिस से लें, दाल खाएं, आप मछली खाएं, आप प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, प्रोटीन डायरेक्टली इम्यूनिटी है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी प्रोटीन से कनेक्टेड है। प्रोटीन जो है इम्यूनिटी सेल्स से कनेक्टेड है, आपका इम्यूनिटी सेल्स बिल्ड करने का काम प्रोटीन का है। तो प्रोटीन की मात्रा आप कितना ले रहे हैं, कितना लेना है प्रोटीन आपको, आपके शरीर का जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन आपको लेने की जरूरत है। यदि आप 70 किलो के हैं तो 70 ग्राम प्रोटीन आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। आप यदि 55 किलो के हैं तो 55 ग्राम प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है, 1 ग्राम पर योर बॉडी वेट के हिसाब से। आपका बॉडी वेट को 1 ग्राम से गुना कर दें, उतना ग्राम आपको लेने की जरूरत है। तो इसलिए प्रोटीन आपके पास 2 वैरायटी का है गोयन में। पहला प्रोटीन है प्रोटीन प्लस, ये आपके सामने प्रोटीन प्लस है, फाइनेस्ट प्रोटीन, ड्यूपॉन्ट का प्रोटीन, किसी में कोई शुगर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, फ्री फ्लोइंग। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक है, और ये दूसरा प्रोटीन आपके पास है, ये है, इसका नाम है गोयंग प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है 95% प्रोटीन है, इसके अंदर अश्वगंधा और ब्राह्मणी भी है, दोनों शुगर फ्री है, दोनों ड्यूपॉन्ट है, दोनों का MRP सेम है, दोनों का आपके लिए प्राइस सेम है, दोनों एक जैसे चीजें हैं, बट दोनों की फॉर्मुलेशन अलग अलग है। ये जो फॉर्मुलेशन है, ये पूरा का पूरा अमाइनो एसिड प्रोफाइल पूरा करता है, विटामिन्स मिनरल्स सारा कुछ पूरा करता है, और ये जो है इतनी तरह के तत्व रखता है, 42 वैरायटी ऑफ थिंग्स इसके अंदर है, ये पूरा का पूरा हर्ब्स रखता है, सब डायबिटीज के लिए, दोनों डायबिटीज वाले ले सकते हैं बिकॉज किसी में शुगर नहीं है, किडनी वाले ले सकते हैं बिकॉज किडनी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, बिकॉज दोनों के PDCAAS 1.0 है, डाइजेसिबिलिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं PDCAAS, प्रोटीन डाइजेसिबिलिटी अमाइनो एसिड स्कोर, जिसको कि सुपाच्यता के लिए जाना जाता है कि डाइजेसिबिलिटी इंडेक्स कितना है, तो ये जो है सुपर डाइजेसिबल है, 1.0 का हाईएस्ट स्कोर दोनों रखता है। तो ये जो है आपके पास 2 प्रोटीन है, दोनों प्रोटीन का इस्तेमाल का बात हुआ। अब बात करते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में मैंने सेलेक्ट किया है कि होना चाहिए, ये है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक ऐसी चीज है कि उस कैप्सूल में आपके पास जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए ठूस ठूस के भरे हुए, इसको न्यूट्रिएंट पावर हाउस कहा जाता है। तो आप अक्सर लेते होंगे, आप इसके फैन होंगे, परफेक्ट है, अभी छोड़ा है तो अभी लेना शुरू कीजिए, बिकॉज स्पिरुलिना अभी लेने वाली चीज है। स्पिरुलिना आपके लिए न्यूट्रिशन पावर हाउस का काम करता है। ग्रीन टी, आप जितना ग्रीन टी पीते हैं अच्छी बात है पीजिए, बट मोस्ट ऑफ द ग्रीन टी जो आप थैली से डाल के डिप डिप करके ले रहे हैं बैग से, उसके अंदर फैनिन्स हैं। फैनिन का मतलब होता है वो जो टी बनती है तो वो डस्ट जो उड़ता है उसको फैनिन कहते हैं, फैन से जो उड़ गया, उसके अंदर ज्यादा केमिकल रेसिड्यू होती है, जो डस्ट गर्दा बच जाता है उसमें सबसे ज्यादा रेसिड्यू होता है ना, वो खैनी खाने वाला भी ऐसा करके दूसरी तरफ लेके इसको झाड़ देता है डस्ट को, क्योंकि डस्ट में ज्यादा केमिकल होता है। तो जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड डाले जाते हैं चाय पे, वो सारे के सारे डस्ट में ज्यादा एक्युमुलेट होते हैं, और ये जो टी बैग है वो डस्ट में से डाल के उसमें और थोड़े दो चार गलत चीजें डाल दी जाती हैं, यदि ब्रांड अच्छा नहीं है तो कलरफुल। एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी US के किसी रिसर्च कंपनी के, उसने ये बताया कि इंडिया के बेस्ट ऑफ द ब्रांड की टी का बैग को उसने स्टडी किया और पाया कि कम से कम 42 टाइप के 42 वेराइटी के केमिकल रेसिड्यूज हर टी बैग में पाए गए, बड़े बड़े ब्रांड ग्रीन टी। सो द पॉइंट इज, ग्रीन टी शायद उतना ज्यादा फायदेमंद ना हो, बट फिर भी फायदा करेगा क्योंकि ग्रीन टी में फायदा है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। बट यदि आपके पास दूसरे तरीके का ग्रीन टी है, कोई लीफ ग्रीन टी आप लेते हैं, ऑर्गेनिक लेते हैं, तो वो बढ़िया है। आपके गोयंग में भी ऑर्गेनिक हैंड रोल्ड ग्रीन टी है, और ये आपके पास ग्रीन टी का सप्लीमेंट मौजूद है जो टैबलेट फॉर्म में है, जो आप सीधा पानी के साथ घटक के ले सकते हैं, और वो ग्रीन टी आपको EGCG की जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी कर रहा है। कर्क्यूमिन, हल्दी जो है आपका हमेशा से इम्यूनिटी बूस्टर रहा है,
तो कर्क्यूमिन का ये कैप्सूल है जो भेज में बना हुआ है और पाइपरीन के साथ बना हुआ है, मैंने पिछले बार इसको डिटेल में बताया था। तो ये वाला एक प्रोडक्ट है जो कर्क्यूमिन विद बायोपरीन आप ले सकते हैं, इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे ले सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर 95% कर्क्यूमिनोइड है और वो भी पाइपरीन के साथ विद बायोपरीन, तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है। मोरिंगा एक और स्टफ है जिसका मतलब है जो जो ड्रमस्टिक है, उस दिन हमने सजीना और सहजन की बात की थी, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, सब जगह का लोगों ने नाम बताया था कि इसका क्या क्या नाम है, और वो जो प्रोडक्ट है वो चीज आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, और आपके पास यदि अवेलेबल नहीं है तो आप मोरिंगा का कैप्सूल भी इस्तेमाल करें। यदि वो चीज आपको बहुत महंगा मिल रही है, यदि मैं बॉम्बे में बैठ के ड्रमस्टिक खाना चाहता हूं तो मेरा ड्रमस्टिक का जो कॉस्ट होगा उससे सस्ते में मैं कैप्सूल खाऊंगा और उससे कन्वीनियंट तरीके से कैप्सूल खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रमस्टिक वो छड़ी की तरह मिलती है जिससे किसी को मारा जाए तो बहुत अच्छा डंडे की तरह काम करेगा, इतना बड़ा मिलता है, तो उसमें कुछ वैसा चीज होता नहीं है जो आपको जो टेस्ट मिलना चाहिए या जिस तरीके से आपको यूज होना चाहिए। शेवगा, महेश जी ने बताया है शेवगा, तो ये जो चीज है ये आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक और फर्क आता है कि वो एक आप ड्रमस्टिक ले रहे हैं, ये जो बनता है ये छाल से, जड़ के एक्सट्रैक्ट से, पत्ते से, फ्रूट से और छीनी से सबसे बनता है, और उसके एक खास रेशियो में बनता है, तो एक्सट्रैक्ट की बात हो गई। तो आपने इसको इस्तेमाल किया, और जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था डेली डिफेंस नाम की एक चीज है, ये डेली डिफेंस में सब कुछ है, सब कुछ का मतलब कि हल्दी है इसके अंदर, जिनसेंग है इसके अंदर, भर के तत्व हैं, और ये सारा का सारा लिसिथिन है इसके अंदर, पाइपरीन है, बिकॉज हल्दी को आपको कर्क्यूमिन को एब्जॉर्बिबिलिटी बढ़ानी है तो उसके लिए फिर से कर्क्यूमिन है, तो ये सारा कुछ है इसके अंदर, सनफ्लावर ऑयल से निकाला हुआ लिसिथिन है इसके अंदर, गुगुल है इसके अंदर, चाइनीज जिंगसिंग है, सारा कुछ एक साथ मिक्स करके ये टैबलेट फॉर्म में आपके लिए है जो डिफेंस के लिए है, डेली डिफेंस आप इसको कह सकते हैं, और डेली डिफेंस की आज की डेट में जरूरत है, बिकॉज हर जगह पे आप देखें तो इम्यूनिटी की बात की जा रही है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, हर आदमी इम्यूनिटी की बात करता है। तो एक और प्रोडक्ट है आपके पास, बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसका नाम है ओमेगा 3। ये ओमेगा 3 है एक्चुअली, बट इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों है, इसीलिए इसको मेगा 3 कहा गया है, ओमेगा 3, और ये ओमेगा 3 का कैप्सूल है और सॉफ्ट जेल फॉर्म में है। तो ओमेगा 3 हमने जैसा बताया डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करता है, और ओमेगा 3 आपके पास होनी चाहिए, तो ये ओमेगा 3 के लिए 60 कैप्सूल्स का सॉफ्ट जेल कैप्सूल है, लिक्विड फिल्ड, वो सॉफ्ट जेल 60 कैप्सूल्स का चीज अवेलेबल है आपके पास गोयंग में, और ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टी लाइफ नाम का एक आपके पास ड्रॉप है जिसके अंदर सारे के सारे बेरीज हैं, जिसके अंदर मैंगोस्टीन भी है, नोनी भी है, अकाई बेरी है, गोजी बेरी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और उन सब चीजों का एक्सट्रैक्ट निकाल के ये ड्रॉप में डाला गया है और बहुत टेस्टी है। आप पानी में जब डालते हैं तो सिर्फ अरोमेटिक हो जाता है पानी, दैट्स ऑल, किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं करता, और बाद में आपको ऐसा लगता है कि जब आप खाली पानी पियेंगे तो आपको लगता है कुछ यू आर मिसिंग समथिंग, तो आपको लगता है कि एक ड्रॉप और डाल ले वो। तो ये दो बार तीन बार कभी दिन में आपने डाल लिया, एक बार भी डाल लिया तीन बूंद तो काफी है, तो ये ड्रॉप वाली चीज है और छोटी सी ड्रॉप है, ये आपके पास होनी चाहिए। ये एक एक्टिव लाइफ नाम की चीज हुई जो कि आपके लिए जरूरी है। फाइटो लाइफ नाम की चीज हो सकती है, और मैं बहुत सारा चीज बता रहा हूं, तो मैं बहुत सारा डिश बता रहा हूं, आप ये ना सोचे कि अब एक ही साथ इतना डिश कैसे खाएंगे, आप बहुत सारा डिश है आपके पास, आप डिश रख सकते हैं, एक दिन ये खा सकते हैं, या अगले महीने में एक और दूसरे महीने में एक खा सकते हैं, डिशेस बहुत सारे हैं, या अपनी जरूरत के मुताबिक खा सकते हैं। तो ये जो है, तो फाइटो लाइफ नाम का एक चीज है जो फाइटो न्यूट्रिएंट से बना हुआ है, मतलब फाइटो केमिकल्स जो होते हैं, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इम्यूनिटी वाले केमिकल्स, उसकी चीज की जाती है, और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, ये आपके पास ड्रॉप फॉर्म में मौजूद है, ये भी पानी में ड्रॉप डाल के आप ले सकते हैं, और ये चीज आज की डेट में रेलेवेंट है। तो मैंने उतने ही प्रोडक्ट की बात की जो कि आपके इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जाने जा सकते हैं, क्लोरोफिल अल्कलाइज करना अपने आप को आधा इम्यूनिटी कर देने के बराबर है, और उसके बाद यदि आप क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, जैसे पौधे को क्लोरोफिल की जरूरत है, आपको ग्रीन क्लोरोफिल की जरूरत है, तो वो क्लोरोफिल का एक पूरा का पूरा ड्रॉप, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने क्लोरोफिल सीधा ड्रॉप डाला और आपके पानी में क्लोरोफिल की मात्रा। कर्क्यूमाइन, ये कर्क्यूमाइन बोल के ड्रॉप है आपके पास, इसके अंदर कर्क्यूमिन है और वो ड्रॉप फॉर्म में है, और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देने वाला है, जितने लोगों ने ट्राई किया है आपको अच्छा लगा होगा,
और जब आप इसको एक बार इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो दूध में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, लेकिन वाटर को यदि दो बूंद डाल दिया आपने तो आपके वाटर का टेस्ट बढ़ जाता है और आप इसको आराम से ले सकते हैं। और आप ले क्या रहे हैं तो आप हल्दी के आयल में से निकला हुआ कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं और प्योरेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं। आपने दो चम्मच हल्दी लिया है, खाया है, गल्प किया है के बजाय आपने सिर्फ एक टेस्टी पानी पिया है, एक ग्लास। जब जब पानी पिया आपने इसको डाल लिया, उस तरीके का चीज होगी। अब एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जिसको कि आप सब लव करेंगे और बहुत लोग लव कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट को मैं देख रहा हूँ डिमांड हो रही है। ये है गोयंग टेरा बेरीज। टेरा बेरीज जैसे आपने देखा होगा, यू नो मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट डेटा नापते हैं ना, तो भावना आपको समझ गई होगी। बेरीज की बात हो रही है, टेरा बेरीज मतलब जितना हो सकता है उससे ज्यादा। प्योरेस्ट फॉर्म में 16 के 16 बेरीज का एक्सट्रैक्ट, प्योरेस्ट फॉर्म में बिना शुगर के। कोई भी डायबिटिक हो, कोई भी कैसा भी हो, कोई भी कैलोरी कॉन्शियस हो, नो शुगर, फाइनेस्ट फॉर्म में। और वो भी कितना, ओराक वैल्यू 1,02,700 विद सर्टिफिकेट। तो आपका ओराक वैल्यू सर्टिफाइड प्रोडक्ट, फाइनेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विदाउट शुगर इन इंडिया, 1 लीटर के पैक में अवेलेबल है। और एक बेहतरीन ऑफर नेक्स्ट मनी ने दिया हुआ है, और वो बेहतरीन ऑफर इस तरीके का है कि ये 2,500 या 2,400 रुपए का प्रोडक्ट जो है आपको सिर्फ 999 में अवेलेबल कराया गया है अभी आपके नेक्स्ट मनी। और ये 999 में भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आपको लेवल के पॉइंट्स मिलते हैं, आपको कैशबैक मिलते हैं, तो आपका सारा फीचर इसमें अप्लाई होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना बेनिफिट है। तो ये एक जो है प्रोडक्ट आपके पास है, यदि आपने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, ट्राई नहीं किया है, दिस यू मस्ट ट्राई। यदि आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है, यू मस्ट हैव इट। आप यदि अपने आप को एंटी एजिंग की तरह देखना चाहते हैं, आप यदि यंग जीबीटी की तरफ जाना चाहते हैं, यू मस्ट ट्राई दिस। और एक बार ट्राई करने के लिए मैं सिर्फ कहूंगा, उसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक ही बार कह रहा हूँ। आपको भी ऐसा ही कहना है, आप किसी को एक ही बार कहेंगे, दोबारा कहने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्ट आगे का काम कर ले। गार्लाइट, जैसा हमने बताया, लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर जो एक पदार्थ होती है जिसको कहते हैं एलिसिन, वो एलिनेज और एलानस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो वो जो एलिसिन है, वो एलिसिन को एक्सट्रैक्ट को लेके इसको सॉफ्ट जेल में रख के गार्लाइट नाम का एक कैप्सूल बनाया गया है, जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स इन दैट पैक, 2 कैप्सूल्स फॉर 1 पर्सन फॉर 30 डेज, एक आदमी के लिए ये इसमें पैक है। इम्यूनिटी के लिए अल्टीमेट, किसी तरीके का जॉइंट पेन, साइटिक आर्थराइटिस, कोई चीजें हैं अल्टीमेट, हार्ट का किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है अल्टीमेट। तो लहसुन से जो जो चीजें आप जिस बात के लिए लहसुन इस्तेमाल करते थे, तब वो जो है 10-20 लहसुन जो चबा चबा के खा रहे थे दिन में 2 बार, उसके बजाय आपने एक टैबलेट कैप्सूल है सॉफ्ट जेल का लेके पानी के साथ ले लिया, यू हैव गॉट दैट 2 पोर्ट का लहसुन का पूरा जुगाड़ आपके पास, वो भी टेस्टी फॉर्म में। टेरा बेरी कैसे लेना है, सब डब्बे पे लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। आपको डायल्यूट करके पानी में लेना है, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट को पानी में डायल्यूट करके लेने से ज्यादा बढ़िया होगा। एक और चीज है आपके पास, ब्लैक सीड ऑयल का एक्सट्रैक्ट से बना हुआ सॉफ्ट जेल कैप्सूल, ब्लैक सीड ऑयल कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल। दिस ऑल्सो इज ग्रेट फॉर योर इम्यूनिटी, फॉर योर रिवाइवल। यदि आपको कभी संक्रमण हुआ है तो आपको एक फाइल इसका ले लेना चाहिए उसके बाद, बिकॉज दिस विल यू नो ब्रिंग बैक योर वाइटालिटी एंड सेट थिंग्स राइट। लंग के लिए बहुत अच्छा है। स्मोकर्स हैं और यदि किसी तरीके से संक्रमण में है नहीं है, उनको लेना बहुत जरूरी है। तो उस तरीके की चीजें आपके पास बास्केट में है, और इसलिए मैं इन चीजों को सजेस्ट करके लेके आया। आई एम लेट बाय ऑलमोस्ट 11 मिनट्स, 9:11 हो गया है, बट आज संडे है, आप सब शायद हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैम थैंक यू फॉर इट कि आप मुझे 10 मिनट ज्यादा समय दिया है। जैसा मैंने बताया, सारा का सारा प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, 3 लेयर ऑफ क्वालिटी टेस्ट्स हैं, और ये सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लैब जो हमारा खुद का है वहां पे हम करते हैं। डॉक्टर सतीलाल पाटिल हमारे टीम मेंबर हैं और रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, इंडिया के नहीं इंटरनेशनल साइज के। तो वो एक चीज हो गई। ये जो अप्रूवल्स की बातें मैं बता रहा हूँ, सर्टिफिकेशन की, आपके प्रोडक्ट में हर एक प्रोडक्ट पे आपको ये लोगोज मिल जाएंगे, जिसमें HACCP और कोशर और हलाल जैसे भी सर्टिफिकेट मिलेंगे, FSSAI मिलेगा और WHO GMP मिलेगा।
तो ये जो है आपके लिए चीज हुआ। एक जो और चीज मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे एक लाइन क्लियर रखा जाएगा उसमें कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होगा ऑनेस्ट प्राइस पे। तो किसी की प्राइसिंग जब आप चेक करेंगे, एक लीटर जो मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट बताया टेरा बेरीज विदाउट शुगर, उसका कहीं पे मार्केट में आप कॉस्ट चेक कर लीजिएगा, किसी भी कंपनी का चेक कर लीजिएगा, 2,500-3,000 रुपए का ही प्रोडक्ट होगा आपके पास 999 में मौजूद है, द फाइनेस्ट वेराइटी विदाउट शुगर, बाकी में भर भर के शुगर है, और एक वैल्यू आपका सर्टिफाइड है। तो कहने का मतलब कि आई विल से ऑनेस्ट प्राइस, आपको ये मान के चलना है कि आपका जो ब्रांड है गोयंग वो हमेशा ऑनेस्ट प्राइस रखेगा। चैलेंज के साथ आप कहीं पे बोल सकते हैं। प्रोटीन की बात करें, जो प्रोटीन मैंने आपको बताया वो प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, डिट्टो सेम प्रोटीन, सेम सर्टिफिकेशन, सेम रॉ मटेरियल यूज्ड, 2350 एमआरपी है 500 ग्राम का। वो इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का प्रोटीन बेचता है, 1950 करोड़ पर ईयर। आपका प्रोटीन 1111 रुपीज का एमआरपी है, 2350 वर्सेस 1111, और आपके लिए वो सिर्फ 9999 रुपए में मौजूद है, 999 रुपए में मौजूद है पूरा का पूरा, 2350 वर्सेस 999, उसके बाद आपका 10% डिस्काउंट बिकॉज यू आर नेक्स्ट मंथ। तो ये सारा कुछ आपके लिए ऑनेस्ट प्राइस पे मौजूद है, ये समझने की बात है। अब ये सारा कुछ अवेलेबल है आपके नेक्स्ट शॉपी पे, और ये अलग जगहों पे भी मौजूद है जहां से आपको लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यू नीड ऑल योर पॉइंट्स, यू नीड योर पीवीज। तो ये सारा कुछ आपको आपके नेक्स्ट शॉपी में मौजूद है। एंड आई एम डन विद दिस टुडे सेशन।